बीजेपी सांसद सीपी जोशी दिल्ली दौरे पर है, जिन्होंने कहा कि ऊर्जा पॉलिसी से संबंधित बात होगी। राजस्थान का पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पोटेंशियल है और इस ऊर्जा क्षेत्र में काफी संभावना है। कांग्रेस की सरकार में बिजली की स्थिति खराब थी, अशोक गहलोत उंगली उठाते हैं, उनकी आदत है। और क्या कुछ कहा गया आपको सुनाते हैं। सुमे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद इस दिशा में बहुत बड़े कदम भी उठाए गए हैं और राजस्थान में आवश्यकता है इन्वेस्टमेंट की भी, रोजगार की भी और बिजली के सेक्टर में उत्पादन बढ़ाने की भी। तो ये तीनों काम एक साथ होंगे और मैं चूंकि इस समिति का सदस्य होने के नाते हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि राजस्थान में इस सेक्टर में और आगे क्या किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या किया जा सकता है। देखिए, राजस्थान में मुझे लगता है गहलोत सरकार ने 5 वर्ष तक सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के अलावा और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। अगर वो ईमानदारी से राजस्थान की सेवा करने का मन होता तो राजस्थान आज बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता, राजस्थान में युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं होता और राजस्थान चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में हो अच्छी स्थिति में होता। लेकिन उस सरकार ने भू माफिया, माइनिंग माफिया, हर सेक्टर में माफियाओं के हाथ में वो सरकार चली और पेपर लीक के मामले में भी उन माफियाओं के हाथों सरकार, उनको संरक्षण देने का काम किया। लेकिन प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बनने के बाद इस दिशा में आप देखें, पहले की सरकार में हर पेपर लीक होता था और अभी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बनने के बाद कोई पेपर लीक नहीं हुआ और जिन आरोपियों को संरक्षण मिल रहा था उनको आज जेल की सलाखें देखनी पड़ रही हैं। आज बिजली के क्षेत्र में गहलोत सरकार ने बिजली खरीद में भी और कोयला खरीद में भी सिवाय घोटाले के अलावा कोई काम नहीं किया। अगर ईमानदारी से राजस्थान के किसानों की चिंता करते तो शायद राजस्थान आज बिजली के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कारण आज लगभग 1.5 लाख करोड़ के MOU कर लिए। आने वाले 2 वर्षों में राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा, बिजली का संकट समाप्त होगा और राजस्थान बिजली खरीदने वाला नहीं बिजली बेचने वाला राज्य बन जाएगा। आखिर क्यों कांग्रेस की सरकारों में इस प्रकार से प्रदेश के हित में निर्णय नहीं लिए जाते हैं?